छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको रायपुर ले चलते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जी ने इस बात को कहा, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल के पास होने के बाद, तीन तलाक के बिल होने के बाद, उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके शब्दों में, एक पुरातन और मध्यकालीन प्रथा का आखिरकार इतिहास के कूड़े दिन तक सीमित हो चुका है और ये तीन तलाक अब समाप्त होगा। इसके साथ साथ ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त करने का काम इस प्रावधान के तहत किया गया है। देश ने इसको सुधारा है, माननीय अमित शाह जी ने, रविशंकर जी ने और पूरे हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल के जागरूक लोगों ने दल की सीमा को छोड़कर इसका स्वागत किया। पूरे हिंदुस्तान के हमारे मुस्लिम बहनों ने, भाइयों ने मिठाइयां बांटी, खुशी मनाई। रायपुर के अंदर भी चौक में लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी, एक उत्सव और एक जश्न का माहौल पूरे देश में बना और ऐसा लगा कि एक आजादी उनको मिली है। तो इसके लिए मैं पूरे देश भर के उन बहनों को बधाई दूंगा, उन परिवारों को बधाई दूंगा जिस रूप है, जिनकी पीड़ा की समाप्ति हुई है, एक नए जीवन की शुरुआत हुई है। जिस प्रकार घुटन से, जिस प्रकार उनके जीवन जीता था, अब आजादी के साथ बेहतर जिंदगी जीने का रास्ता मिला है। इसके लिए एक बार फिर हम सब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, विधि मंत्री रविशंकर जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक नया इतिहास रचा है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एनडीए 2 ने बता दिया कि अब आगे आने वाले समय में किस तेजी के साथ निर्णय होंगे, किस तेजी के साथ क्रियान्वयन होगा और देश के उन सारे मुद्दों को निराकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे जो वर्षों तक पेंडिंग थे। आप सभी को यहाँ उपस्थित होने की धन्यवाद। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब सर, विपक्ष का कहना ये भी है कि इसका पुनर्वलोकन एक बार करना चाहिए। दूसरा, 498 धारा के तहत जिस प्रकार से अभी हो रहा है उसका इसमें भी उपयोग हो सकता है। देखिए, दो तीन शंकाएं जाहिर की जाती है मगर कानून और कानून की प्रक्रिया में जब आज राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के जाने के बाद एक एक विषयों में जो आज पार्लियामेंट में बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई, उनमें कुछ और मुद्दे और तत्व को जोड़ा जाएगा, उन 493 और बाकी विषयों का भी समाधान होगा। 84-85 के संदर्भ पर जिक्र किया था आपने सालानों प्रकरण का, तब मेजोरिटी ने कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी एक लंबा अर्चा जीता है, अब जाकर एक बड़ा फैसला हुआ है, बीजेपी इंतजार कर रही थी कि मेजोरिटी में आए और उसके बाद। हमने पहले भी कहा था कि जब पूर्ण बहुमत होगा तो उन ऐसे मुद्दों का निराकरण हम करेंगे जो वर्षों से, पीढ़ियों से जो लंबित है, और ये मुद्दा भी 84-85 का वो शाबानों का प्रकरण, उसके बाद पूरे देश ने और दुनिया ने देखा कि ट्रिपल तलाक हिंदुस्तान में ही बोझ की तरह बना हुआ था, पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान की अन्य मुस्लिम कंट्रियों में नहीं है। उन्होंने इस 1400 साल पुराने कानून को कब से मुक्ति पा गई, कट्टर जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां भी इसका कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ हम ही लपेट के रख रहे हैं। पाकिस्तान ने तो वर्षों पहले इससे मुक्ति पा ली है, आजादी के साथ रह रहे, जी रहे हैं। आपने कहा कि एनडीए पार्ट टू में निर्णय बहुत तेजी से हो रहे हैं, ये उसका उदाहरण है, तो और भी जो होना है 370-375 इससे भी कुछ बहुत जल्द होने वाला है। देखिए, समय के अनुसार निश्चित रूप से सरकार के जो हमने अपनी घोषणा पत्र में जितने मुद्दों को चिन्हांकित करके रखा है, उसको सोचकर समझकर रखा है, उसके आगे की रणनीति भी तय है, तो जो हमारे घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र हमने किया है उसके संबंध में सब विषय में विचार होगा। सर, पूरा प्रदेश अभी बाढ़ की स्थिति में है, जगदलपुर में स्थिति बिगड़ी हुई, राजधानी में पानी नहीं गिर रहा था, जब गिरा तो पूरा सड़के वड़के जाम हो गए, क्या लग रहा है बाढ़ से निपटने की सरकार तैयार है कि नहीं? रायपुर में तो बिना बारिश की बाढ़ है। रायपुर को यदि जिले का एवरेज रेनफॉल देखा जाए, दुर्ग का एवरेज रेनफॉल देखा जाए, बेमेतरा का एवरेज रेनफॉल देखा जाए, राजनांदगांव का और कवर्धा का, करीब करीब 30% अभी कम है, बांध पूरे खाली हैं। बस्तर में पर्याप्त पानी गिर रहा है और 7 जिलों में
दंतेवाड़ा, सुकमा, जगदलपुर, कोंडागांव और कांकेर तक और कोंडागांव तक बहुत ठीक बारिश है। धमतरी भी करीब करीब एवरेज है, मगर उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते तो सीधे आप तस्वीरें देख